ये देखो इसको ना, मैं कर रही थी अंदर शूट, 11 बज रहा है, रात के मेरा शूट चल रहा था। ये बच्चा बेचारा, इसको कहीं जगह नहीं मिली क्योंकि आगे मम्मी टीवी देख रही थी, विवेक शॉप पे गए हैं, यहाँ ये पढ़ रहा था। अभी खेल रहा है बट अभी तक पढ़ रहा था, ये अपना तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम की। तो बच्चा मेरा, मेरा बच्चा किचन में बैठ गया, इतना पढ़ाकू बच्चा है। अभी दूध बनाएगा ये सबके लिए, अच्छा दूध। लग रहा है, पंखा ऑन कर दे, यहाँ पे मस्त मजा आ रही है, हाँ एकदम तेज पंखे में। दूध बना दे बेटा 11 बज के हाँ नानी के बना रही, लिए। 5 मिनट। हम हाँ 3 लोग रोज दूध पीते हैं, मैं मम्मी और अभी। अच्छा बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है, अपनी टेबल लेके पूरे घर में घूमता रहता है, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाता है ये। चलो बाय। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रा, क्योंकि नवरात्रे चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और हमारे घर में भी रोज जैसे आरती वगैरह होती है शाम को, आप हर साल, आपको पता ही है। सो रात में जो है शाम के टाइम माला चढ़ती है, माता जी पे आरती होती है, तो वो सब स्टार्ट हो चुका है। नवरात्रे के पहले दिन का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन गुड़ी पड़वा भी था, मैं बहुत बिजी थी, और इसीलिए मैंने क्या किया था, शॉर्ट व्लॉग बनाया था, मतलब मिनी व्लॉग, वो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। तो अभी आपको सबको बधाई दे रही हूँ, हैप्पी नवरात्रा। सभी की माता जी रक्षा करें, सबके ऊपर माता जी की कृपा बनी रहे हम सबके ऊपर। और क्या बोलूँ, बहुत सारे लोगों ने व्रत किए होंगे, मैं तो व्रत नहीं करती नवरात्रों के, मतलब मुझसे रखे नहीं जाते व्रत। अब मेरा थोड़ा सा ना वो बीपी लो हो जाता है या शुगर डाउन हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, व्रत बहुत नहीं करे जाते मुझसे। बस पूजा पाठ करती हूँ जैसे करते हैं, तो सुबह का मेरा पूजा पाठ अभी हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और बस घर में काम चल रहा है। मम्मी भी अपने रूम में आराम कर रही हैं, वो लेट उठती हैं रूम से, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं लेट के। तो चलिए दिन की शुरुआत करती हूँ आपके साथ इस तरह से, और अब बनेगी सुबह की चाय और होगा दिन का काम, जो भी घर में काम चलता है दिन भर। सो पूरा दिन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, लंबा व्लॉग होने वाला है, लाइक ज़रूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। और बस जय माता दी, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से। कल की पूरियां भी बची हुई हैं, कल गुड़ी पाड़वा था, नवरात्रि का पहला दिन था, तो पूरियां बनी थी। हम महाराष्ट्रंस का गुड़ी पाड़वा होता है, तो हैप्पी गुड़ी पाड़वा जितने भी मेरे महाराष्ट्र ऑडियंस है और जो मुझे वॉच करती है, तो आप सबको गुड़ी पाड़वा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे तो मिनी ब्लॉग में भी बोला हुआ है, पापा के साथ मिनी ब्लॉग में बोला था। ये कल की पूरियां हैं, इनको भी हम चाय वगैरह के साथ खा लेंगे। और अभी बच्चों की पूजा नहीं हुई है, देखो बच्चे तो क्या यार, अभी जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन लेट ही उठते हैं। मेरी मेरी पूजा हो गई, मम्मी आराम से करेंगी। चलिए फिर ला चाय का बर्तन दे मेरे को। फेस्टिवल्स की बात ही कुछ और होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे गुजरात की तरफ ये वाले नवरात्रे मतलब लोग मनाते हैं, लेकिन इतना जोर शोर से नहीं जितना जोर शोर से जो दूसरे नवरात्रे आते हैं ना, अक्टूबर में जो आते हैं, अक्टूबर मंथ में, सितंबर अक्टूबर में, वो वाले नवरात्रे, सेकंड वाले नवरात्रे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मनाए जाते हैं। और गरबा जो खेला जाता है वो भी वही वाले नवरात्रों में खेला जाता है, ये वाले चैत्र नवरात्रों में नहीं। तो कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, एक बस मिनी व्लॉग डाला था, तो बस इससे ज़्यादा मैं कल नहीं डाल सकी थी, बहुत काम में थी मैं। अभी किचन में मैं बनाऊंगी चाय, फटाफट सबको चाय नाश्ता दूंगी, और मम्मी को चूंकि शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, सो वो फास्टिंग वैसे भी नहीं कर पाती हैं। मैं फास्टिंग मेरे हार्ट बीट के इशू के कारण नहीं करती हूँ, और समटाइम्स मुझे ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो जाता है, दैट इज़ वाई। जब ये घर में होती है ना तो दिन कहाँ निकल जाता है, मतलब बच्चों के होते हुए पता नहीं चलता। इन लोगों के ऑन एंड ऑफ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी के भी एग्ज़ाम्स बहुत लंबे चलने वाले हैं इस बार, मतलब एक एग्ज़ाम के बाद तीन तीन चार चार दिन की छुट्टी दी हुई है, जिस वजह से एग्ज़ाम काफ़ी लंबे खिंच गए हैं फाइनल वाले बच्चों के। तो चाय बनाने के बाद मुझे करने हैं बहुत सारे काम, और इधर मम्मी भी नहा धो के अपने कमरे में बैठ गई थी पूजा करने के लिए। उनका यही स्टाइल है, वो पहले भगवान जी के मंदिर के सामने मोड़े पे बैठती हैं, उनसे नीचे नहीं बैठा जाता, बैक का प्रॉब्लम है उन्हें, फिर अपने रूम में जाके पूजा करती हैं। और यहाँ पर भाभी भी आ चुकी है मीनवाइल, तो भाभी का रोज़ का रूटीन है, जैसे वो आती है ना तो सबसे पहले तो बर्तन तो वैसे हम लोग रख के पानी भर देते हैं अच्छी तरह से, कब थोड़े बहुत कर भी लेते हैं रात को, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। और थोड़े बहुत सुबह से, चूँकि ये आती लेट है, इनका आने का टाइम बताऊं आपको, ये 10:30 के बाद आती हैं, कभी 11, कभी 10:30, कभी 11:30 भी आती हैं, लेट आती हैं। बट हम ज़्यादा कुछ कहते नहीं उन्हें, क्योंकि ठीक है ना यार, उन्हें घर का भी काम करके आना होता है। तो आके सबसे पहले ये जो है बर्तन वगैरह बाहर
निकालती हैं, क्योंकि नाश्ते के थोड़े बहुत बर्तन किचन में इकट्ठे हो गए होते हैं ना सुबह से अब तक, क्योंकि किचन तो स्टार्ट हो जाती है 5:30 बजे जब अभी जाता है स्कूल, मतलब अभी के लिए मैं उठती हूँ तब से किचन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ किचन में हो ही जाता है। उसके बाद ये बर्तन वगैरह सब लगाती हैं, एक दिन पहले जो धो के जाती हैं ना वो वाले बर्तन लगाती हैं। तो अब आ गया है लंच बनाने का टाइम, तो मैं किचन में काम करने लग गई थी। आज लंच में क्या क्या बन रहा है, दाल चावल तो देखिए रोज ही होते हैं, और दाल में इस तरह से थोड़ी सी ना गाढ़ी हो गई है, इसमें थोड़ा गर्म पानी डालूंगी, और धनिया बहुत सारा मैं दाल में डालती हूँ। मुझे धनिया पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है दाल के अंदर, और जैसे ही मेरी दाल बन के चुकती है ना, मतलब बॉयल हो जाती है, उसके बाद ही मैं इसके अंदर बहुत सारा धनिया डाल देती हूँ, और फिर तड़का मैं तब करती हूँ जब सब खाना खाने बैठ रहे होते हैं, फिर दाल को गर्म करके तड़का कर देती हूँ। आज सब्ज़ी में कई सारी सब्ज़ियाँ बन रही हैं, जैसे कि एक तो बन रही है हरी प्याज की सब्ज़ी बन रही है, और दूसरी भिंडी की सब्ज़ी बन रही है। हरी प्याज ना थोड़ी सी रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा बना लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नवरात्रि चल रहे हैं प्याज बना रहे हो, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबके यहाँ अपने अपने अलग अलग रूल फॉलो होते हैं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मम्मी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, मेरी मम्मी, जैसे कि वहाँ पे मतलब पापा नहीं खाते ना, मम्मी तो खाती हैं, यहाँ पे सब खा रही हैं वो प्याज वगैरह, लेकिन पापा मेरे प्याज लहसुन खाते ही नहीं हैं। तो अब ये रखी हुई थी तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, व्रत तो कोई हमारे यहाँ करता नहीं है नवरात्रों के, मैंने कहा चलो ये तो बना ही लिया जाए। बहुत ही बिल्कुल मतलब टाइम टू टाइम डे टू डे व्लॉग चल रहे हैं, आप देख रहे हो बिल्कुल जिस दिन के व्लॉग होते हैं उस दिन के ही व्लॉग जा रहे हैं, ऐसा चल रहा है, लेट व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं है, और समटाइम्स लेट हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं यार, लाइफ इतनी बिजी रहती है ना, साथ में एडिटिंग करो, इंस्टाग्राम संभालो, ये वो सब चलता रहता है। तो आलू प्याज की सब्ज़ी के लिए ना मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तेल डाला है, हींग और ज़ीरा डाला है, और हरी मिर्ची के टुकड़े थोड़े बहुत डाल दिए हैं, और ये मैं हरी प्याज छौंक रही हूँ यहाँ पर ना, और हल्दी का पाउडर डाल दिया है। पहले आलू ना छोटे कट किए हुए हैं, इनको हाफ कुक करेंगे, नहीं तो हरी प्याज तो ऐसे चुटकियों में मिनटों में हो जाती है, तो इसलिए पहले हल्का सा नमक डाल के मैं इनको ढक दूंगी, और फिर उसके बाद जब आलू हमारे हाफ कुक हो जाएंगे ना तब इसके अंदर मैं ग्रीन प्याज डाल दूंगी। ग्रीन प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है गाइस, बहुत अच्छी। और ये प्याज मैंने कट करवाए हैं भाभी से भिंडी के लिए, भिंडी दो प्याज़ा समथिंग करके बनाऊंगी अच्छा सा, क्योंकि थोड़े से प्याज थे और थोड़े से भिंडा थे, तो मैंने सोचा दोनों ही चीज़ हो जाए, हमारे गुजरात में भिंडी को भिंडा कहते हैं, नहीं तो आप सोचोगे भिंडा के बोल रही हूँ। एक साइड पे मैंने चावल बनने रख दिए, ऐसे ही फटाफट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह मॉर्निंग में घर में सारे काम चलते हैं हाउसवाइफ्स के। भाई हाउसवाइफ होना बहुत एक क्या बोलते हैं मेहनत की बात है, लोग हाउसवाइफ को ग्रांटेड लेते हैं, लेना नहीं चाहिए। तो मेरे आलू कुक हो गए थे, तो उसके अंदर मैंने लाल मिर्ची थोड़ा धनिया पाउडर डाल दिया, नमक ऊपर से डाल देना है स्वाद अनुसार, और बस अब थोड़ा सा देर और ढक देंगे, हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। बहुत सिंपल तरीके से छुकी हुई सब्ज़ी है, लेकिन हरी प्याज का अपना एक अलग खुद का प्रॉपर टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार, अब बस इसको मैं ढक दूंगी, ये 10 से 15 मिनट में तो पूरी तैयार हो जाएगी। अगर कोई कच्चा कच्चा खाना पसंद करता है हरी प्याज, तो बस थोड़ा सा सौते करके उतार सकते हैं। चावल में आजकल पानी निकाल के बनाती हूँ, यानी माड़ निकाल के बनाती हूँ, क्योंकि अरे यार एक आध क्वेश्चन आया था मेरे ब्लॉग पे कि आप तो शाम की चाय छोड़ दिए थे, आप तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, तो क्या हुआ? जी ऐसा होता है ना कि शाम की चाय छोड़ तो दी थी लेकिन नहीं छोड़ पाती हूँ, कोशिश करती हूँ लेकिन बीच बीच में फिर से पी लेती हूँ, ऐसे हो जाता है। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं बहुत ज़्यादा परहेजी नहीं कर पाती हूँ। अभी को ना भूख सी लगी थी स्कूल से आने के बाद, नहीं स्कूल से नहीं, ट्यूशन गया था ये, ट्यूशन से आने के बाद इसको लगी थी भूख जोरों की, तो खाना बनने में देर थी, तो बोला कि मैं पास्ता या क्या लाया है, कुछ लाया नीचे से मैगी या समथिंग, कहता है वो बना के खाता हूँ। कई बार होता है ना, देखो खाना बनने में भी टाइम है, आप ही देख लो अभी थोड़ा सा वक्त है, रोटी वोटी भी बाकी है, मीनाक्षी भी नहीं आई है, तो मीनवाइल इसने सोचा मैं थोड़ा सा मैगी खा लेता हूँ। मैगी बहुत अच्छी बनाने लगा है ये, ना थोड़ा थोड़ा किचन का काम करने लगा है। मैं ना ऐसे मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता, बेटा बेटी दोनों को ही थोड़ा थोड़ा काम सिखाना चाहिए, जैसे प्रिशा को तो आता है, बट मैंने अभी से भी थोड़ा थोड़ा, जैसे कभी कभार चाय बना देना या समटाइम्स अपने लिए मैगी बना लेना, समटाइम्स सैलेड तो वो रोज़ ही काटता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या होता है पता है, बॉयज़ को भी थोड़ी बहुत काम करने की आदत रहती है। और आजकल का आने वाला जो टाइम है आप भी समझ ही सकते हो कि आजकल की लड़कियां भी कमाने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं, ऑब्वियसली उनकी भी अपनी लाइफ है, उनका भी अपना स्पेस है, तो हर किसी को काम करना आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और जैसे कुछ लोग कहते हैं हम लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं करते हैं, इसीलिए अभी को भी थोड़ा थोड़ा काम करना मैं सिखा रही हूँ। कितना प्यार करती थी वो, प्यार कहाँ गया? मतलब मैं प्यार नहीं करती
ये लड़की मेरे पे इल्जाम लगा रही है, मैं इसको प्यार नहीं करती। हम मूवी देखने जा रहे थे, मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तो वो भी जबरदस्ती फुल स्लीव के कपड़े पहनाती थी कि वहाँ पे ठंड लगेगी, थिएटर में ठंडी होती है। फिर बाद में जब नवरात्रि होती थी तो मम्मी दोपहर में सुला देती थी स्कूल से आते ही, जब मैं सेकंड थर्ड में थी, कि सो जा वरना रात को जान नहीं दूंगी। हाँ तो सही बात है ये, फिर दूसरे दिन स्कूल भी होता था। छोटे बच्चे अगर दिन में ना सोए तो वो पिक्चर देखने कैसे जाने देंगे, और फिर अगर पिक्चर देखेंगे तो सुबह में स्कूल कैसे जाएंगे। एक बार मैं दिन में नहीं सोई थी तो सिंघम मूवी में मैं आधी सो गई थी और फिर मैंने डाटा था सिंघम 2। हाँ और ये ना आते हुए वो लेके आए हैं, मतलब मूवी का प्लान है आज हमारा, अभी हम लोग खाने में जो था ना, मैंने भिंडी बनते हुए नहीं दिखाई, बाकी सब आपको बनते हुए दिखाया। तो प्याज की सब्जी अच्छी बनी थी, प्यारी प्याज की कैसी थी, ली थी क्या? हाँ टेस्टी थी वो, भिंडी से अच्छी थी भिंडी, इस भिंडी नहीं पसंद भिंडी मुझे नहीं पसंद गाइस। तो हम लोग जैसे मूवी देखने जाना चाहिए, तो ये मैंने पिंक कलर का एक इन्फ्लुएंसर लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये प्रिशा की टी शर्ट है, मैंने प्रिशा से बोरो की है। प्रिशा की न्यू टी शर्ट है, प्रिशा ने एक भी बार नहीं पहनी, प्रिशा ने मंगाई थी बट प्रिशा को पसंद नहीं आई, फिर भी पता नहीं कि प्रिशा ने रख ली, तो इसलिए अब मैंने मम्मी को दान दे दी, ये लो मैं नहीं पहन रही, ले लो। बताओ प्रिशा मम्मी घर पे है, मम्मी को बोला कि आप भी चलो, लेकिन शी इज सेइंग उनसे ना इतनी देर बैठा नहीं जाता, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाए, उससे बेटर है वो सारा ही रखा हुआ है। हम लोग देखेंगे आते हुए, मम्मी के साथ ही खाएंगे वैसे तो, बट बाहर बच्चों को थोड़ा बहुत, देखो काफी टाइम के बाद बाहर निकल रहे हैं हम लोग, वाला ऐसे सिटी में जो सिटी में जो बाहर निकलना होता है, वो तो मम्मी के साथ मंदिर गए थे बस, मंदिरों में जितना गए उतना ही गए इसके अलावा, लेकिन फिर मेरे प्रैक्टिकल चलते रहते हैं यार, और उसके बाद थोड़ा ही दिन का गैप मिलता है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम आ जाती है, तो उसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। नहीं है भाई, तू बहुत इनोसेंट है। मैं तो पढ़ता हूँ, हो गए हमारा जो शो है वो 6:30 to 9:30 वाला है, क्योंकि वापस आके विवेक को जाना है शॉप पे, फिर भी 9:30 वाला लिया तो पापा कहते 9:30 चला जाता है ना विपिन भैया, तो पापा कह रहे थे कि आधा घंटा लेट, तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं हुआ, मम्मी तो आने वाली नहीं थी, हमें पता था क्योंकि मम्मी से इतनी देर बैठा नहीं जाता, और ये काफी टाइम से बच्चे जिद करते थे, बीच में कितने टाइम तक कोई मूवी देखने नहीं गए, प्यारी ब्लॉगिंग कराती, देखो ऐसे मेरे को भेजती है ये कैमरा के पीछे, चलो हट यहाँ से, खुद का काम चले हो जाने के बाद, चल अभी जा, आऊंगी नहीं, देखो नहीं आ रही पहले बेटा, नानी को प्रॉब्लम ना हो, सो विंडो वगैरह ये कर दो, यहाँ की भी कर दो, यहाँ की आप करो, मैं दूसरी तरफ की। कैसा लग रहा है ये गर्मियों में, ऐसे कलर्स ना लेवेंडर टाइप अच्छे लगते हैं, है ना, अच्छा लग रहा है ना, चलो चलते हैं। क्या आ रही है पापा के पेट में से आवाज आ रही है पापा के पेट में से, पिंक पिंक कलर पहन के पिंकी बन गए हैं ये पिक्चर देखने, पिंकी बन गए पिक्चर, पिक्चर में छोटी थी ना तो बोलती थी पिक्चर, पिक्चर देखने के लिए पिंकी बन गए हो आप, पिंकी हाय पिंकी, बॉडी फिर से बढ़ गई है ना जी, आप तो सही लगते हैं, अभी आज से एक टाइम खाना, अरे कुछ लोग नहीं, मेरा ड्राइविंग इसकी ड्राइविंग इतनी रफ हो गई है, ये लोग दो बाइक लेके जा रहे हैं, गाड़ी तो फास्ट चलाती है, देखा है मैंने तुझे, फास्ट चलाती है ना, फास्ट चलाती है तुम, पापा पापा ओटिंग मारते कटिंग मारते, ओ भाई बहन दोनों एक जैसे, ये दोनों सेम से मेरे ख्याल, दोनों सेम, कुछ नहीं पापा की साइन लैंग्वेज से मैं समझती हूं। तो इस व्लॉग को मैंने बहुत ही फटाफट एडिट करके अपलोड किया शाम को, क्योंकि मुझे समय से आप तक पहुंचाना था और बाहर भी जाना था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इस छोटे से व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।